मैंने कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। देखने से दो ना, चल ना ना देखने, ना देखने। क्या हाल चाल है? उम्मीद है इंशाल्लाह सब ठीक होंगे, जहाँ कहीं भी हैं अल्लाह ताला सबको 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 शाद रखे, आबाद रखे, खुश रखे, खुशहाल रखे। मेरी इस प्यारी सी छोटी सी दुआ के साथ ही हमारे ब्लॉग का आगाज़ हो चुका है और तो यहाँ पर जो है मेरा ब्लॉग स्टार्ट है। आज का ब्लॉग बहुत स्पेशल है, मैं पहले ही बताती चलूँ। आज के ब्लॉग में जो हम सारी तैयारियाँ दिखाई, तैयारियाँ किस चीज़ की हैं? आज है मस्जिद में अफ्तारी है और वो हमारी तरफ से है, मतलब जो लोग इतकाफ़ पे बैठे हुए हैं, नाना जी लोगों की, और नाना जी भी इतकाफ पे बैठे हैं। सीधा बताना कि आपकी दादी अम्मा जो इस दुनिया से चली गई हैं उनके लिए स्पेशल हम दुआ करवा रहे हैं मस्जिद में, क्योंकि घर में हम पहले इफ्तारी करवा चुके हैं और आज हमने सोचा कि आज मस्जिद में करवाएँगे और बहुत अच्छे से पूरी कोशिश करेंगे अल्लाह ताला जो है वो हमारी इसको कबूल मंजूर फरमाए और अल्लाह ताला इनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर अपने बैठने की जगह, क्योंकि सारा काम खड़े होकर करना बड़ा मुश्किल होता है, तो यहाँ पर मैं आज चारपाई पे बैठूंगी और यहाँ पर आके पहले सारी सब्जियों की कटिंग कर लूँगी। बनाना क्या क्या है ये प्लीज बताओ आप। हमने बनाने हैं पकोड़े बनाने हैं, उसके बाद हमने फ्रूट चाट बनाना है, उसके बाद बिरयानी बनानी है और चिकन के साथ बिरयानी बनानी है, पुलाव, हाँ जी पुलाव बनाएंगे, और इसके अलावा जो है फ्रूट होगा और सारी छोटी मोटी चीज़ें, सारी जो भी लवाजमात होते हैं अफ्तारी के वो सारे, उसके लिए सारी चीज़ें जो है पहले इधर बैठ कर। हाँ अभी सुबह के बज चुके हैं जी 10 बजे का टाइम है और अभी जो है सारे जो चीज़ें पहले कटिंग करूँगी। तो यहाँ पर क्योंकि मैंने तो चले जाना है फिर यूनिवर्सिटी तो इनको फिर अकेले तो काफ़ी सारा काम था, तो फिर हमने कहा कि हम टाइम से ही सारी चीज़ें काट लेते हैं और उसके बाद फिर आसानी हो जाएगी। और वाकई फिर आसानी हो गई कि सारी चीज़ों की कटिंग पहले हो गई थी, हो गई, और कटिंग करना ज़्यादा काम जो है इसी का होता है तो, और यही ज़्यादा टाइम टेकिंग चीज़ है। तीन चीज़ें लहसुन अदरक प्याज सारी चीज़ें, बेशक जितने मर्जी फ्रीज की हों लेकिन फिर भी ज़रूरत पड़ती है और चीज़ों की। तो अब हमने ऐसे किया कि प्याज काट लिए, आलू काट लिए, पकौड़ों का मसाला तैयार कर लिया, उसके बाद बिरयानी का मसाला तैयार कर लिया, सारी चीज़ें तैयार करके रख ली जिससे बाद में आसानी होती है। और ये वाकई चीज़ आसान रहती है, अगर टाइम के टाइम करना शुरू करें तो फिर तो काफ़ी देर लग जाती है और थकावट भी सारा काम करके। फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया था बीच में, कोई एक घंटा डेढ़ घंटा मैंने बीच में रेस्ट भी कर लिया था, रिलैक्स हो गई थी, उसके बाद उठ के फिर मैंने जो है ना वो किचन में गई थी। तो इस यहाँ पर मैं जो है लहसुन अदरक प्याज, क्योंकि ज़्यादा हमें चाहिए था, हमारा जो फ्रीज था वो थोड़ा था, हमारी बिरयानी के हिसाब से बहुत कम था। यहाँ पर ये सामान माशाल्लाह माशाल्लाह पकौड़ों का सारा तैयार हो गया और हम लोग दोनों मिलके, नूर आलू छील रही थी और मैं कटिंग कर रही थी साथ साथ, तो यहाँ पर मैंने कहा सबसे पहले और ये पकौड़ों का सामान अगर बन जाए ना तो समझो सारा काम हो जाता है। तो ये चचर मिर्चें जो है ना इससे बहुत अच्छे इसका आ जाता है, चचर मिर्चें, मैं इसको चिचर मिर्चें बोलती हूँ, कोई कुछ कहता है, कोई दरा कहता है, कोई कुछ, तो यहाँ पर मिर्चें हाथों को लगने का डर होता है, इसलिए मैं तो ये अपना झटका तरीका है, हमारे झटके तरीके जो होते हैं ना वो ज़्यादा कारामंद रहते हैं। यहाँ पर जब ये तैयार हो गया ना फिर बहुत माशाल्लाह इसको रेस्ट मिल जाती है और फिर फ्राई करना आसान हो जाता है। अब यहाँ पर मसाला तैयार हो गया, यहाँ पर आपने रेस्ट कर लिया था? नहीं नहीं अभी रेस्ट करना है, इसके बाद जाके छत पे, जहाँ यहाँ पर मैं छत पे जाके पौधों को थोड़ा देख के आई, पौधों को मैंने अच्छे से पानी शानी देखा, क्योंकि मामा के पौधे जो है ना वो मामा के बगैर उदास हो जाते हैं और, तो और दिन में एक दफा बाकी मुझे ऐसा लगता है उदास हो गए उसके बाद मैंने सारे सहन को नजर मारनी होती है, कोई चीज इधर उधर मतलब कुछ, कोई बिल्ली शिली का डर तो नहीं है, मुर्गों को पानी डालना, आजकल सच मुर्गियाँ अलग हैं, मुर्गियाँ अलग सेपरेशन हो गई है उनकी, तो यहाँ पर मुर्गियाँ दोनों माशाल्लाह जो है ना वो अंडों पे बैठी हुई हैं। तो इतना इनका स्टाइल है ना देखने का, जैसे क्यों देख रही हो हमें इतने बच्चे इनको प्यारे हैं, अपने इतने प्यारे हैं कि हाथ ही नहीं, वैसे तो पहले तो हाथ भी नहीं लगाने देती थी, अब तो बड़े स्टाइल से बैठी,
और दूसरी आप क्यों उनके साथ छेड़छाड़ कर रही हैं? निकलने शुरू हो जाने हैं, 2 दिन बाकी हैं, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह 25वें रोज इनके जो है ना, आज कौन सा रोजा चल रहा है? गुस्सा 25वें रोज इंशाल्लाह इसके बच्चे इनसे बाहर जो है तशरीफ आवरी उनके हो जानी है, फिर थोड़ी रोने और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, इंतजार कर रही हूँ कि कब वो आएंगे, पता नहीं कैसे निकलेंगे, किस किस कलर के निकलेंगे, कितनी क्यूरियोसिटी है, कितना सस्पेंस है, किस कलर के होंगे, कैसे के होंगे, अच्छा लगता है, जैसे जैसे मुर्गी के बच्चे नहीं है, डायनासोर देखने के लिए हमारे हमारे घर में पहली दफा आ रहा है ना, डायनासोर वाकई डायनासोर लग रहा है। उसके बाद मामा ये अपनी मुर्गी को बहला रही हैं, अब मामा नीचे आ गई हैं, मामा ने फिर आराम पहले किया, मैंने थोड़ा सा आराम किया था, उसके बाद मैंने कहा सबसे पहले जो है ना पकौड़े जो है ना वो फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि जब पकौड़े फ्राई करने होते हैं ना तो एक तो ये इसको बड़ा तसल्ली से इनके पास खड़ा होना पड़ता है, इनको थोड़ी भी लापरवाही नहीं इनके साथ कर सकते। वैसे आपने बहुत ज़्यादा ही जल्दी कर लिए थे। नहीं नहीं जल्दी नहीं किए थे, बल्कि अच्छा हुआ कि हमने जल्दी स्टार्ट कर लिया था, तो फिर आराम से बन जाते हैं सारी चीज़। यहाँ पे बिरयानी मैंने स्टार्ट की और साथ साथ जो ना ये रायता मामा ने बनाया, ये मामा की स्पेशलिटी है, ये मुझे बहुत पसंद है, और तेरे बाबा की फरमाइश थी कि मेरे दोस्तों ने बहुत उनको जो है इन्होंने शौक से इनवाइट किया था, और मैंने कद्दू का जो है ना रायता, और वो खुद चेक भी करने आए हैं कि वाकई इन्होंने कद्दू डाला है कि नहीं। इसमें मामा ऐसे करती हैं, मामा कद्दू को पहले क्रश वो क्रश करके उसको बॉयल करके उसको मतलब पानी निकाल के बड़ा गाढ़ा सा बन जाता है, बड़ा प्यारा और लजीज बन जाता है, बिल्कुल ही वो डिफरेंट चीज बन जाती है। हाँ, तो यहाँ पर मामा ने पुलाव के लिए मसाला सा तैयार किया है। उसके बाद मामा एक गलती हो गई थी जब मैंने ना किया ना बिरयानी बना रही थी, तो मैं मटर डालने पहले भूल गई थी, पहले मैंने चिकन के साथ ही वो तैयारी सारी कर ली, और बाद में मुझे याद आया मटर का पैकेट तो वैसे का वैसे पड़ा, फिर मैंने उसको दोबारा डाल के भून के फिर पानी डाला, तो यहाँ पर मैंने कहा कि जब तक वो उसको दम दिया ना दम देना था अभी, तो मैंने कहा यहाँ पर ना सारी चीज़ें जो तैयार होगी ना वो इधर रखती जाती हूँ, ताकि इधर से मस्जिद में जाना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि जब बिल्कुल टाइम पे ना फिर आपके पापा इतना शोर करते हैं, हड़बड़ी हो जाती है, हड़बड़ी मच जाती है, और बच्चे जब वो चीज़ें लेने आ जाते हैं तो फिर भागम भाग होना पड़ता है। तो यहाँ पर माशाल्लाह सारी चीज़ें जो है ना मैंने यहाँ पर रखी थी, ताकि जब मर्द उठाने लगे तो वो फिर अफरा तफरी ना मचाए, तो यहाँ पर फिर मैंने मटर डाल के फिर दोबारा उसको अच्छे से कर लिया था यहाँ पर। अच्छा बड़ी माशाल्लाह सब ने पसंद की थी, बहुत ही बहुत मज़े की, तकरीबन ये 5 किलो के करीब थी, और बहुत सब ने बहुत इसको ने पसंद किया था, रायता बहुत मज़ेदार था। उसके बाद हमने ये यहाँ पर ये अपनी कर ली थी ना तैयारी, हमारी तैयारी भी कम्प्लीट हो चुकी थी, फिर हमने टाइम हो चुका था माशाल्लाह, तो यहाँ पर आपके बाबा दुआ यहाँ पर भी करवा के गए थे, फिर बाद में वो भाग कर चले गए थे, क्योंकि मस्जिद बिल्कुल साफ था, तो अजान से रोज़ा खुलने से पहले वो हमें दुआ करवा के गए थे, क्योंकि हमने भी कुरान पाक पढ़ा हुआ था, और नूर ने पढ़ा हुआ था, मुबीन ने भी पढ़ा हुआ था, तो यहाँ पर बहुत अच्छा लगा कि हम ना हमारे जो प्यारे इस दुनिया से चले जाते हैं उनके लिए हम स्पेशल दुआ करवाते हैं, उनके पीछे कुछ तोहफ़तन भेजते हैं, तो अल्लाह ताला उसको कबूल करे, आमीन आमीन। और यहाँ पर फिर हमने टेबल तो सेट कर लिया था अपने लिए, और फिर हमने इफ्तारी की, और फिर उसके बाद मस्जिद में जब इफ्तारी जाना उसके तो फिर वीडियो हम नहीं अच्छे से बना पाए थे, मुबीन गया था मोबाइल लेके, इसने 1-2 तस्वीरें बनाई हैं। यहाँ पर मस्जिद में भी सारी माशाल्लाह मुकम्मल हो गई, अब इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, दुआ में याद रखें, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक खुदा हाफिज़।